भारत में 200 से भी ज्यादा बिलियनियर्स रहते हैं और उनमें से 80 बिलियनियर्स वर्ल्ड के टॉप 500 लोगों में शामिल हैं। ये सभी अमीर लोग भारत की इकोनॉमी को भी बैलेंस रखने में बहुत मदद करते हैं। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में हर साल बहुत लोग करोड़पति और अरबपति बनते हैं, पर भारत में मुकेश अंबानी कई सालों से पहले नंबर पर ही मौजूद हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 5 रिचेस्ट मैन के बारे में जानकारी देंगे, जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। नंबर 5, राधा किशन दमानी। दोस्तों, इनका नाम कौन नहीं जानता होगा। शेयर मार्केट और रिटेल इंडस्ट्री के बादशाह कहे जाने वाले राधा किशन दमानी, जिन्होंने डीमार्ट ओपन करके रिटेल इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राधा किशन दमानी रिटेल इंडस्ट्री में आने से पहले एक सफल इन्वेस्टर और शेयर होल्डर रह चुके हैं। हालांकि शेयर मार्केट में वो अब भी मौजूद है और खूब पैसा छाप रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वो अपने सबसे बड़े बिजनेस डीमार्ट को भी संभाल रहे हैं। राधा किशन दमानी ने डीमार्ट का पहला स्टोर मुंबई में साल 2002 में खोला और तब से ही रिटेल इंडस्ट्री के किंग कहे जाने लगे। उनकी कंपनी डीमार्ट के स्टोर हर साल तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दे कि आज के डेट में राधा किशन दमानी के बिजनेस डीमार्ट के ऑल ओवर भारत में 336 स्टोर्स हैं। दोस्तों, राधा किशन दमानी भारत के टॉप 5 सबसे अमीर इंसानों में 5वें नंबर पर आते हैं। उनकी नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ 23 बिलियन डॉलर्स की है, जो कि इंडियन करेंसी में कैलकुलेट की जाए तो लगभग 2,10,000 करोड़ रुपए के करीब होती है। नंबर 4, साइरस पूनावाला। हमारे भारत में सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में चौथे नंबर पर साइरस पूनावाला आते हैं। इन्होंने साल 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की और हाल ही में इनका नाम आपने टीवी और न्यूज़पेपर में खूब सुना होगा। जिस टाइम कोविड की लहर भारत में आई थी, क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन की डोजेस उनकी ही कंपनी द्वारा बनाई गई, उनकी कड़ी मेहनत और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वैक्सीन की वजह से ही आज भारत कोविड को हराने में सफल रहा है। यही नहीं, आपको जानकारी के लिए बताया जाए तो इनकी कंपनी लगभग 165 से भी ज्यादा देशों में पोलियो की वैक्सीन को भी रेगुलर सप्लाई करती है। साइरस पूनावाला को साल 2005 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात इनकी नेटवर्थ की जाए तो दोस्तों, इनकी नेटवर्थ 24 मिलियन डॉलर्स की है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 2,35,000 करोड़ रुपए बैठेगी। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं शिव नदार। इनका बिजनेस इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। एचसीएल का तो नाम आपने सुना ही होगा। जी हाँ, बहुत बड़ी कंपनी है। शिव नदार जी इस एचसीएल कंपनी के ही फाउंडर हैं। इसके स्थापना शिव नदार ने साल 1970 में की और तभी से शिव नदार ने अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शिव नदार पहले हार्डवेयर बिजनेस में डील करते थे, लेकिन शिव नदार ने अपने कदम आईटी इंडस्ट्री में भी रखे और बहुत बड़े सफल आईटी बिजनेसमैन भी साबित हुए। आज इनका काम देश ही नहीं बल्कि बड़े बड़े विदेशों में भी चलता है। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हर जगह एचसीएल का नाम रोशन है। यही रीजन है कि आज शिव नदार अपनी कड़ी मेहनत की वजह से भारत के टॉप 5 अमीर लोगों में जगह बना पाए हैं। इनका स्थान टॉप 5 अमीर लोगों में तीसरे नंबर पर आता है। इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो उनकी नेटवर्थ 30 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 2,40,000 करोड़ बैठेगी। नंबर 2, गौतम अडानी। दोस्तों, इनका नाम किसने नहीं सुना होगा। गौतम अडानी जी, जिनके पास आज जो कुछ भी है बस अपनी कड़ी मेहनत से है। गरीब परिवार में जन्मे गौतम अडानी के पास पुरखों की कोई खास संपत्ति नहीं थी, लेकिन इनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद थे और उड़ान भरने के सपनों ने और कड़ी मेहनत ने इन्हें आज की डेट में भारत का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया है। दोस्तों, सच ही बोलते हैं, कड़ी मेहनत करने से क्या कुछ नहीं हो सकता, और गौतम अडानी जी ने इसको प्रूव करके दिखाया है। गौतम अडानी के सभी बिजनेस की बात की जाए तो इसके ऊपर अलग से पूरा एक स्पेशल वीडियो बन सकता है, पर आपको मोटे तौर पर बताया जाए तो इनके बिजनेस सी पोर्ट, ग्रीन एनर्जी, ऑयल, गैस, सोलर और न जाने कितने और बिजनेस हैं। गौतम अडानी ने सभी बिजनेस में बहुत सफलताएं प्राप्त की हैं। और तो और, ताजा खबरों की माने तो अडानी जी एयरपोर्ट्स के भी बादशाह बनने की रेस में लग गए हैं। दोस्तों, अभी पिछले साल की ही बात है, एक समय तो ऐसा भी आया था कि ये भारत के सबसे बड़े और अमीर इंसान मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ चुके थे, लेकिन हिंडसबर्ग की रिपोर्ट के आरोपों की वजह से इनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा, जिसके कारण आज ये दूसरे स्थान पर आते हैं। दोस्तों, इनकी नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो इनकी कुल नेटवर्थ 43 बिलियन डॉलर्स के करीब है, जिसको अगर इंडियन करेंसी में कैलकुलेट किया जाए तो 3,60,000 करोड़ रुपए के करीब होती है। नंबर 1, मुकेश अंबानी। दोस्तों, एक नाम जिसके बारे में शायद ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ना हो तो वो नाम है मुकेश अंबानी का। कई सालों से भारत के सबसे रिचेस्ट लोगों में अपने आप को सबसे पहले नंबर पर रख पाना आसान काम नहीं है, लेकिन मुकेश अंबानी को कोई भी अब तक हिला नहीं पाया है। इनकी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने वाली थिंकिंग ने और जिस भी बिजनेस में जाए उस इंडस्ट्री को पूरा तहस नहस करने की टेक्निक ने इनको कई सालों से इतना पैसा कमा कर दिया कि इनके 7 पुश्ते छोड़िए 70 पुश्ते भी बैठ
कर खाए तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। ये किसी भी बिजनेस में उतरते हैं तो अपने कंपटीटर को बिल्कुल उखाड़ देते हैं, जैसा आपने हाल ही में जियो के केस में भी देखा होगा। टेली कम्युनिकेशन में आज की डेट में जियो जितनी सफल कंपनी कोई और भी नहीं दिखाई देती। इन्होंने अपने कदम हर बिजनेस में जमाए हुए हैं। आप चाहे गैस इंडस्ट्री की बात करें, ऑयल इंडस्ट्री की बात करें, या कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करें, या फिर रिटेल इंडस्ट्री को ही क्यों ना ले लें, न जाने कितने और भी बिजनेस इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। कमाल की बात यह है कि ये जिस भी इंडस्ट्री में जाते हैं उसके बादशाह हो जाते हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी इतने अमीर आदमी है कि भारत छोड़िए पूरे वर्ल्ड में भी ये टॉप 15 रिचेस्ट पर्सन में शामिल है। इनकी नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो उनकी नेटवर्थ $92 बिलियन है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 7,65,000 करोड़ रुपए बैठती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 5 रिचेस्ट मैन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।